और यहाँ पे मिस्टर चार्ली बचे हुए हैं, यूनिक सागर बचे हुए हैं, डीटीजे देवेश मर चुके हैं, फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बॉब विशेष भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, सिंगल हैंडेडली मार दिया था यहाँ पे वंश ने। शक्तिमान यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करते हुए आई गेस जोन में जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम्स के दूसरे मेंबर हैं, फ्लेम के वैन हैं, उनकी तरफ ले जाएंगे मेरे ख्याल से गाड़ी उनको पिक करने के लिए। यहाँ मेरे को लगता है टीम 10 की फ़ाइट हो सकती है, काफ़ी क्लोज आ गए हैं टीम नंबर 10 के, अभी भी वैसे काफ़ी डिस्टेंस है। टीम 10 एक दूर थे, इन पर शॉट्स आए हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से, फ्लेम्स की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं, डीमोनिक्स की टीम है, और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पे। यहाँ पे टीम और यहाँ पे यूनिक सागर ने नॉक कर दिया है फ्लेक्स को, यूनिक सागर, यूनिक सागर यहाँ पे टीम नंबर 19 की फाइट होती हुई, लेज़र लेज़र स्पे की फाइट होती हुई यहाँ पे। यहाँ पे हैकर एक्सन ने स्लेयर कार्तिक को नॉक किया है और दोबारा से यहाँ पे नॉक कर दिया है, एक और प्लेयर को फिनिश ऑफ कर दिया है। यहाँ पे अंदर और तगड़ी फाइट होती हुई, लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं, लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं बीस्ट, देखते हैं क्या खासी कमाल दिखा पाते हैं। मेरे को तो बहुत सोचन बुरी लग रही है इनके लिए, क्योंकि सिंगल बचे हुए हैं और बाकी चारों प्लेयर्स अलाइव हैं इनके, आई गेस दो प्लेयर अलाइव रह गए थे, और यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया है टीम को। फ्लेक्स अक्कू के प्लेयर्स यहाँ पे बच गए हैं आई गेस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो पर्पल माफिया है उस टीम को फिनिश ऑफ कर दिया आई गेस। देखूंगा मैं अगर यहाँ पे कहीं लूट वूट कर रहे होंगे, अगर बॉक्सेस पड़े होंगे तो, बॉक्सेस तो ऐसे कुछ मेरे को खास दिख नहीं रहे। यहाँ पे फ्लेम्स की तरफ से शॉट आते हुए टीम नंबर 24 की फाइट हो चुकी है, लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं, दो प्लेयर बचे हुए हैं यहाँ पे टीम के, पास में ही है, रिवाइव करेंगे यहाँ पे एफ सी यू के ए ओ आई, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे नेट आता हुआ काफ़ी लो एचपी में छोड़ा है इनको, स्मोक करेंगे आगे, दूसरे प्लेयर कप्तान क्लियर थोड़ा हाई रिच का फ़ायदा उठा के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं स्पॉट करेंगे प्लेयर्स को। काफ़ी सारी टीम्स क्लोज आ चुकी हैं, अब देखते हैं क्या, अब मेरे को लगता है काफ़ी फाइट होने वाली है, बट जिस हिसाब से जोन है और मेरे को ऐसा लगता है सबसे पहले 24 की फ़ाइट होगी, शक्तिमान के जो शक्तिमान की टीम शक्तिमान की टीम की फ़ाइट हो सकती है, फ्लेम की फ़ाइट हो सकती है यहाँ पर टीम नंबर 24 के साथ जो कप्तान किलर हैं। और यहाँ पर सांझ ने नॉक किया है, सांझ की तरफ जाएंगे गाइज, यहाँ पे टीम ढूंढने में अच्छा 19 की तरफ से यहाँ पे शॉट्स आए हैं, सांझ ने यहाँ पे स्प्रे दिया है उनको, और रशर का सेकंड लाइनअप जो है वो पुश कर चुका है। यहाँ पे टीएस वॉल्वरिन भी है, एक दो तीन स्क्वाड है यहाँ पे, तीन स्क्वाड रश करी थी मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सेंटी की टीम, सेंटी की लो एच पी है, हैकर एक्स की लो एच पी, यहाँ पे एक्स रे ने सांझ को नॉक किया है, मेरे ख्याल से 15 के प्लेयर थे सांझ, और फिनिश ऑफ कर दिया है, लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं टीएस वॉल्वरिन, और उनको ढूंढा जा रहा है और शायद स्पॉट भी कर लिया है।
स्पॉट भी कर लिया है गैस, और यहाँ पर दरवाज़ा बंद किया गया, और देख रहे हैं ऊपर भाग रहे हैं, और सामने नेट करेंगे, नेट कर दिया है सामने। नेट पे नेट आ रहे हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पे सेंटी की टीम, सेंटी की टीम के एक प्लेयर मेरे ख्याल से फिनिश ऑफ हो चुके हैं जो कि हैकर ब्लाइंड है, और यहाँ पे शॉट देते हुए सेंटी की टीम के प्लेयर, यहाँ पे हैकर एक्स ओपी को नॉक कर दिया है टीएस वॉल्वरिन द्वारा। टीएस वॉल्वरिन जो दूसरी टीम है, तीन टीम्स की फाइट चल रही है यहाँ पे। टीएस वॉल्वरिन यहाँ पे थोड़ी हाई रिस्क में थे, हाई रिस्क का फायदा उठा के उन्होंने यहाँ पे नॉक कर दिया। सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती भी सारी टीम्स के लिए, टीएस वॉल्वरिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लेम का एक बंदा और आ गया है गन शॉट्स को देख के, और यहाँ पे कवर लेके पोजीशन देख रहा है क्या क्या प्लेयर्स की पोजीशन है। यहाँ पे शॉट्स आते हुए दोबारा से, यहाँ पे फ्लेम वैन ने यहाँ पे नॉक किया है, फ्लेम एग्जीक्यूटिव, फ्लेम की टीम को अगर देखेंगे तो फ्लेम की टीम तो यहाँ पे है ही नहीं। फ्लेम की टीम यहाँ पे कहाँ से फाइट हो गई। टीएस वॉल्वरिन यहाँ पे हैकर एक्स ओपी भी नॉक पड़े हुए हैं, देखते हैं इनको रिवाइव मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। इनको शायद रिवाइव मिल जाएगा, हैकर सौरभ इनके पास आ चुके हैं इनको रिवाइव करने के लिए, और इनको रिवाइव कर देंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। टीएस वॉल्वरिन अभी भी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं अपने ऊपर, हाई रिस्क का पूरा फायदा उठा रहे हैं, किसी को ऊपर नहीं आने दे रहे ऊपर से अगर, और आसपास कोई आ रहा है तो उसको शॉट्स दे रहे हैं। अच्छी लोकेशन होल्ड करके बैठी हुई, और यहाँ पे फ्लेयर चला दी है, यहाँ पे टीएस वॉल्वरिन शॉट देते हुए एक्सट्रे वाइपर को, काफ़ी अच्छा रिच का फ़ायदा उठाया हुआ है उन्होंने, और पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे अब रशर की टीम ने डिसाइड कर लिया है कि ऊपर जाके फाइट लेंगे और शॉट्स देंगे, फिनिश ऑफ करेंगे टीएस वॉल्वरिन को, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है टीएस वॉल्वरिन को। काफ़ी बेकार सिचुएशन होती हुई उनके लिए, यहाँ पे सेंटी ने नॉक कर दिया है एक्सट्रे वाइपर को, इनको लास्ट में देख लिया था रशर ओपी, रशर अमन यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे शायद। मेरे को लगता है सिचुएशन ख़राब हो सकती है यहाँ पे हैकर एक्स के लिए और रशर के लिए भी सिचुएशन, और यहाँ पे सेंटी को देख लिया है आते हुए, सेंटी और हैकर शुभ यहाँ पे रश कर रहे हैं इनसाइड, और यहाँ पे नेट था, काफ़ी तगड़ा नेट था, और यहाँ पे एक और नेट करेंगे सेंटी यहाँ पे, क्योंकि एक्स से नॉक हो रखे हैं तो उनको उनको पता है एक पेयर उनके नॉक है तो यही सही वक्त है। रशर अनुराग यहाँ नीचे ही पोजिशन होल्ड करते हुए, और यहाँ पे टीम नंबर 23 एक और टीम आ चुकी है गन शॉट्स देख के, और यहाँ पे गन रशर अनुराग दोबारा से, यहाँ रशर अनुराग नॉक होते हुए जो कि नीचे ही होल्ड करके बैठे हुए थे। अब यहाँ पे टीम जाएंगी ऊपर फाइट लेने के लिए, और ऊपर भी प्लेयर हैं, सिचुएशन ख़राब हो सकती है। यहाँ पे नॉक कर दिया रशर को, और रश हैकर सौरभ को भी नॉक कर दिया, लास्ट प्लेयर बचे हुए थे, नॉक को फिनिश कर रहे थे, अगर नॉक को फिनिश करने के बजाय वो जो लास्ट प्लेयर बचे थे उनको फिनिश करते तो शायद रिवाइव हो सकते थे। मगर अब यहाँ पे टीम 23 डीडीजी की जो टीम है वो थर्ड पार्टी करने की ताक में है, मगर यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। टीम नंबर 19 यहाँ पे रिवाइव हो जाएगी, एक और नेट आता हुआ है गैस, नेट या स्मोक किया है, यहाँ पे क्वीन ने भी नॉक किया है नेट से। क्वीन को अगर देखेंगे तो क्वीन कौन सी टीम है, मेरे ख्याल से टीम नंबर 13 के प्लेयर हैं शायद, नहीं ये तो आरडीएक्स की टीम है। क्वीन पहाड़ी बॉय, क्वीन मेरे ख्याल से कोई नई टीम है मेरे को आई गेस। अच्छा यहाँ पे क्वीन की टीम के प्लेयर जो हैं वो नॉक हो रखे हैं और रिवाइव भी नहीं कर रहे हैं आई गेस। एक और नेट दिया है शायद इनको फिनिश ऑफ करने के लिए, या मॉली से फिनिश ऑफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अपनी टीम के प्लेयर को क्यों मार रहे हैं। यहाँ पे अलग ही गेम चल रहा है, मेरे ख्याल से वो गेम छोड़ के जा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे को मार के लूट लो, और अपने ही प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है, कोई किल नहीं मिला तो अपने प्लेयर को ही फिनिश ऑफ कर दिया है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 23 की फाइट हो सकती है, यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप आता हुआ, लूट लेंगे इसको आसानी से, और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और टीम आ चुकी है, बैंग करिए गाड़ी सीधा यहाँ पे, इनको पता है कि वैसे अभी अभी दूर है शक्तिमान की टीम, यहाँ पे सेंटी ने यहाँ पे फ्लेयर लूट ली है, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और यहाँ पे डीटीजी की टीम जो है वो पोजीशन बनाती है फ्लेयर की तरफ जाती हुई, सेंटी यहाँ पे हार्ड टीपी भी लेते हुए, सेंटी मेरे ख्याल से बैक ऑफ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिंगल प्लेयर है, और वहाँ पे उनको अभी पता नहीं है कि दो स्क्वाड मतलब एक स्क्वाड के 4 प्लेयर्स हो सकते हैं या
यहाँ पे गन शॉट्स देते हुए डीटीजी की टीम। सिचुएशन बुरी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी टू प्लेयर्स हैं, पोजीशन इनको पता नहीं है कि बाकी सारे प्लेयर्स कहाँ, और सारे प्लेयर्स अगर मैं बताऊँ आपको तो फैले हुए हैं, तो सिचुएशन घातक हो सकती है डीटीजी की टीम के लिए। बैक ऑफ करेंगे यहाँ पे, पोजीशन देखेंगे पहले प्लेयर्स की, फिर उसके बाद रशन करेंगे। सेंटी यहाँ पे ओपन में आते हुए, सेंटी को अगर रिस्पेक्टेड करते हैं तो कवर ले लेके जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या पोजीशन होती है। सिक अभी को मेरे ख्याल से स्पॉट कर लिया है इन्होंने, सिक अभी की अगर पोजीशन देखे, सिक अभी ने स्पॉट कर लिया यहाँ पे सेंटी को, और यहाँ पे सेंटी ने नॉक कर दिया है। दो प्लेयर नॉक हो गए हैं यहाँ पे। इस टाइम पे अनिकेत को रश करना चाहिए और उनको भी रश करना चाहिए यहाँ पे सामने कवर में रह के। यहाँ पे नेट करेंगे और ये सही टाइम है रश करने का जहाँ तक मेरे को लगता है। काफ़ी अच्छा नेट और यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे एक प्लेयर। सेंटी यहाँ पे नॉक है, सेंटी जल्दी फिनिश ऑफ हो जाएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। सेंटी यहाँ फिनिश ऑफ होने ही वाले हैं और सेंटी फिनिश ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पे 20 में से स्मोक्स में निकलते हुए अनिकेत को नॉक किया, और यहाँ पे हैकर एक्स बचे हुए हैं, और यहाँ पे हैकर एक्स ने सिक अभी को भी फिनिश ऑफ कर दिया है। बहुत बेकार सिचुएशन थी यहाँ पे। लास्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 HP बची हुई थी। यहाँ पे गॉडम ने पहाड़ी बॉय को नॉक किया है। यहाँ पे एक और फाइट स्टार्ट होती हुई, पहाड़ी बॉय के प्लेयर नॉक हैं, पहाड़ी बॉय के पहाड़ी सरूर नॉक हैं, और यहाँ पे आरओजी के अगर देखेंगे आरओजी के 6 kill हो चुके हैं। गॉडम ने एक और ऋषभ को भी नॉक कर दिया है। सिचुएशन ख़राब होती हुई यहाँ पे पहाड़ी बॉयज़ के लिए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे टीम रश कर जाएगी, बट गॉडम ने यहाँ पे पहाड़ी सरूर को भी नॉक कर दिया। लास्ट प्लेयर बचे हुए आई गेस, लास्ट प्लेयर भी मेरे को लगता है हर जगह से गन शॉट्स आने के बाद फिनिश ऑफ होंगे, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया एक और स्क्वाड को। अगर इसी के साथ अगर आप आरओजी निंजा के किल्स देंगे तो इनके 10 kills है। यहीं अगर आप सेंटी के टीम्स के किल्स देखेंगे तो एक एक करके सारे प्लेयर्स गवाए हैं इन्होंने इनके, मगर 11 kills है, काफ़ी अच्छे किल्स हैं इनके। यहीं शक्तिमान की टीम से अगर देखेंगे तो 9 kills है। जो टीम लास्ट में बची हुई है उनके काफ़ी अच्छे किल्स रहते हैं। ये जो टीम है, नई टीम खेल रही है ये, जीजी खुशराग क्वीन और मौर्या, इनके अभी अभी खाता नहीं खुला है, सेफ खेल रही है, देख रही है पहले प्लेयर्स क्या है। फर्स्ट मैच है इनका तो अभी देख रही है कि क्या क्या प्लेयर्स हैं, कैसे कैसे खेलते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, कौन सी टीम अच्छा प्ले करती है, कौन सी टीम की क्या स्ट्रेटजी रहती है। आपको अगर और देखना है स्ट्रेटजीज़ वगैरह, गेम प्ले अगर देखनी है आपको, तो आप स्ट्रीम चेक कर सकते हैं हमारा दुराल्टक गेमिंग में, आप चेक कर सकते हैं दुराल्टक गेमिंग में, आपको सबका लगभग गेम प्ले दिख जाएगा। टीम नंबर 13 यहाँ पे जोन के आउटर में से आते हुए, काफ़ी आउटर में चले गई है जोन के, इनका भी अभी खाता नहीं खुला है, ये भी सेफ खेलेंगे। वहीं अगर फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स के 4 kills हो चुके हैं। यहाँ पे फ्लेक्स, यहाँ पे एक और फाइट होती हुई क्योंकि सीधा वो प्लेयर्स के बीच में आ चुके हैं। यहाँ पे फ्लेम एग्जीक्यूट मेरे को लगता है कि फंस जाएंगे, और यहाँ पे फ्लेम एग्जीक्यूट को नॉक कर दिया है। फ्लेम्स के बाकी प्लेयर अगर टाइम पे नहीं चढ़े तो उनकी भी दिक्कत। फ्लेम कॉमरेड भी चढ़े, यहाँ पे फ्लेम कॉमरेड को भी नॉक कर दिया है, फ्लेम एग्जीक्यूट को फिनिश कर दिया है, फ्लेम कॉमरेड को भी फिनिश कर दिया है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई, शक्तिमान के बिना बात के दो प्लेयर फिनिश ऑफ हो गए हैं यहाँ पे। और मैं अगर बात करूँ फ्लेक्स अभी, तो फ्लेक्स अभी अभी यहाँ पे नॉक है। यहाँ पे आरओजी की टीम सही टाइम पे पुश करके यहाँ पे फ़ायदा उठा सकती है क्योंकि, और वहीं अगर बात करूँ शक्तिमान, शक्तिमान बचे हुए हैं अपनी टीम के, और फ्लेम और रावण, अच्छा यार रावण है नाम, फ्लेम बैन लगा था कब से, फ्लेम रावण बचे हुए हैं लास्ट। फ्लेम रावण यहाँ पे क्लोज जाते हुए, बट सिचुएशन ख़राब हो सकती है क्योंकि वन भी यहाँ पर आरओजी की टीम ने नॉक कर दिया है, और क्वीन ने यहाँ पे टी वाइपर को नेट से और इनको नॉक कर दिया है क्वीन ने। काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेम प्ले होता हुआ, अगर मैं स्पेक्टेट करूँगा तो यहाँ पे क्वीन अंदर पुश कर चुकी है और क्वीन ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है टीम को। यहाँ पे जो टीम थी वो फिनिश ऑफ हो चुकी है, बट आरओजी की टीम ने यहाँ पर रश कर दिया है, और मेरे को लगता है कि ये भी फिनिश ऑफ होंगे। ये कैसा ग्लिच है भाई, गन यहीं पे फंस गई जिस बंदे की गन थी। गाइस आपको पता है ग्लिच गेम है, क्या कर सकते हैं। फ्लेक्स अभी ने यहाँ पर नॉक कर दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर शक्तिमान की टीम फिनिश ऑफ हो चुकी है। अब याली फाइट देखनी बाकी रह गई है। यहाँ पर आरओजी को नॉक किया है, मौर्य को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया आरओजी की टीम ने। आरओजी की टीम बड़ा ही डोमिनेशन दिखाती हुई। अगर इनके किल्स की बात करें तो इनके 13 किल्स हो चुके हैं गेम में, और
यहीं पे अगर आप इनकी बात करें, इनके 11 किल्स हैं मगर आरओजी की पूरी स्क्वाड बची हुई है। ये इनका गेम जो इनको एडवांटेज मिलता है पूरी स्क्वाड को बचा के आगे बढ़ने का, ये इनको एडवांटेज बहुत तगड़ा मिलता है और इनका इनको इनको इस चीज़ का बेनिफिट लास्ट में होता है। देखते हैं क्या कर पाते हैं। गाइस अगर किसी को कॉल ऑफ ड्यूटी पसंद है, कॉल ऑफ ड्यूटी पे जो खेलता है तो वो मेरे को डीएम कर सकता है, ऑफिशियल ग्रुप में मेरा नंबर होगा शुभम दुरालरावत के नाम। और यहाँ पे एक और फाइट होती हुई गॉड स्पीड की, यहाँ पे कार में शॉट्स दिए हैं काफ़ी सारे बटालियन की तरफ से सेंटियोर की टीम को। सिचुएशन ख़राब हो सकती है यहाँ पे, और मिनी के शॉट दे रहे हैं सप्रेस्ड। यहाँ पे हैकर एक्स भी शॉट देते हुए, मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले अपनी हील अप करें। और यहाँ पे फ्लैक्स अभी ने वाइल्ड रिजॉर्ट को नॉक कर दिया है, मेरे को लगता है कि एक और तरफ से फाइट आ चुकी है इनकी तरफ। अगर मैं गॉड इनकी तरफ स्पेक्टेट करूंगा तो वाइल्ड विजर्ड फिनिश हो चुके हैं। वाइल्ड विजर्ड कहाँ फिनिश हुए, वाइल्ड विजर्ड तो बैक से शॉट्स आई। और यहाँ पे फ्लैक्स को शॉट दिए जा रहे हैं आरओजी की टीम की तरफ से, सिचुएशन ख़राब हो सकती है इनके लिए। और यहाँ पे फ्लैक्स डिसेबल जो है वो M4 के शॉट दे रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 16 फिर उधर सेंटी की टीम को भी काफ़ी तरफ से घिरे हुए हैं। सेंटी की टीम जो है लेफ्ट राइट चारों तरफ से घिरे हुए हैं और जोन में भी जाना है इनको, सिचुएशन ख़राब हो सकती है इनके लिए। देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। स्मोक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करके एक एक स्क्वाड से तो डॉच कर चुके हैं। और यहाँ पे आरओजी की टीम ने यहाँ पे घुस के टीम बटालियन को फिनिश ऑफ कर दिया है। मेरे ख्याल से गाड़ी इन्होंने यहाँ पे स्लैम इन करी और देख लिया कि क्या था सिचुएशन। और यहाँ पे तीन प्लेयर लाइव थे बस, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाती हुई टीम आरओजी के जो प्लेयर हैं काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाते हुए। और यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो तीन टीम्स बची हुई हैं, टीम्स देखते हैं अब तीन टीम में से कौन सी टीम सर्वाइव कर पाती है। यहाँ पे फ्लैक्स के अगर किल्स देखें तो 9 किल्स हैं, उसी के साथ अगर सेंटी की टीम के किल्स देखें तो 11 किल्स हैं। काफ़ी बेकार सिचुएशन इनके लिए। आरओजी की तरफ से भी शॉट आई और यहाँ पे फ्लैक्स की तरफ से भी शॉट आई और फिनिश ऑफ हो गए हैं। यहाँ पे दो टीम्स लाइव हैं, दोनों के 4 प्लेयर्स आए हुए हैं। आरओजी यहाँ पे जोन होल्ड करती हुई, अब उनको पता है कि जो फ्लैक्स की टीम है वो मूव करेगी वहाँ से, उनके लिए सिचुएशन ख़राब हो सकती है क्योंकि वो जोन में नहीं है, उनको जोन में आना है। और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, एक एक करके गाड़ी निकालेंगे। 4 गाड़ियाँ थी इनके पास, जोन में जाएंगे, अगर देखते हैं जोन गाड़ियों से जोन का कवर बना पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे अंधाधुन गन शॉट्स दी जा रही क्योंकि उनको पता है कि गाड़ियाँ अगर पहुँच गई जोन में तो दिक्कत हो सकती है, और गाड़ी तो जोन में पहुँचानी पड़ेगी। अब मेरे को लगता है यहाँ पे कवर बनाएंगे गाड़ियों का, और यहाँ पे स्लैम इन कर चुके हैं। देखते हैं कैसे फट। और यहाँ पे गाड़ी फोड़ के एक प्लेयर तो नॉक कर दिया है, अब 3v4 सिचुएशन है, गाड़ी चढ़ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे नॉक कर दिया आरओजी टॉम को, सिचुएशन खराब है। यहाँ पे फ्लैक्स अभी भी नॉक हो चुके हैं, अब 3v2 सिचुएशन है। और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है लास्ट प्लेयर को भी आरओजी की टीम ने, काफी अच्छा डोमिनेशन दिखाते हुए। अगर अगर आप मैं किल्स की बात करूँ तो 21 किल्स हैं इनके। फ्लैक्स अभी के यहाँ पे अगर देखें तो 10 किल्स हैं। हैकर एक्स की अगर बात करें, सेंटी ओपी की टीम की बात करें अगर, तो इनके 7, 10, 11 किल्स हैं। वाइल्ड विजार्ड की बात करें 1 किल हैं। और अगर ऐसी बात करें और तो फ्लेम्स हैं, फ्लेम की टीम के भी अच्छे खासे किल हैं, 6 नंबर पे वो आए हैं, 7, 8, 9 किल्स हैं उनके। आरजी की टीम ने दोबारा से यहाँ पे दिखाया है कि हमने जो कस्टम मैच जीता है वो ऐसी नहीं जीता है, हमारी टीम डोमिनेशन दिखाती है, किल्स के साथ साथ हम पोजीशन ही बनाती है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरओजी। और गाइस इस टीम नहीं हो पाया क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी और जल्दी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर कस्टम्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन दुराल टेक गेमिंग। थैंक यू वेरी मच, दिस इज शुभम दुराल रावत साइनिंग ऑफ। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय।